दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ये बताने वाला हूँ कि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर आप मोबाइल नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जो आपने आवेदन के समय जो मोबाइल नंबर दिया था वो वाला सिम आपके पास खो गया है तो आप एक नया नंबर उसके अंदर अपडेट कर सकते हैं। ये एक बिल्कुल न्यू ऑप्शन एड किया गया है पीएम किसान सम्मान निधि के अंदर, जहां पर आप अपना नया मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपके साथ बताने वाला हूं कंप्लीट। तो चलिए मैं चलता हूं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, वहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि किस तरीके से आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप के मैंने यहाँ पर लैपटॉप का स्क्रीन ओपन कर लिया, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। आप मोबाइल में भी ये प्रोसेस कर सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है पीएम किसान, तो यहाँ पर वेबसाइट आ जाएगी पीएम किसान सम्मान निधि, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन ऐड किया गया है ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन ऐड किया गया है, क्योंकि काफी लोगों को ये दिक्कत आ रही थी जब उन्होंने आवेदन के समय जो मोबाइल नंबर दिया था वह मोबाइल नंबर उनके पास मौजूद ना होने की वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। अपडेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ गया, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो आपका आधार कार्ड है उसके साथ जो रजिस्टर्ड जो लिंक मोबाइल नंबर है वह मोबाइल नंबर आपको चेंज नहीं करना है। अगर वह मोबाइल नंबर भी आपका चेंज है तो आपको सबसे पहले अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को चेंज करा लेना है, आप कहीं आधार सेंटर जाकर, उसके बाद ही आप ये प्रोसेस करेंगे तो और बढ़िया रहेगा, ताकि आपके आधार पे ओटीपी चला जाएगा और बाकी आपके पीएम किसान पर अगर ओटीपी नहीं भी जाएगा फिर भी हम यहां पर उसको अपडेट कर सकते हैं। यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट मोबाइल नंबर का, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर आपके सामने अपडेट मोबाइल नंबर का आ रहा है, तो यहां पर सबसे पहले पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर आप डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो, नहीं तो आप सेकेंड जो ऑप्शन है आधार कार्ड नंबर, आप इससे भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। हमारे पास ज्यादातर केस में लोगों के पास, किसानों के पास जो वो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है, उनके पास आधार कार्ड आसानी से मिल जाता है, तो सबसे जो सरल तरीका है वो आधार कार्ड का, तो हम आधार कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सिंपल से यहाँ पर कस्टमर का या फिर आप अपना जिसका भी कर रहे हैं उनका आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें जरूर बता सकते हैं कॉमेंट में, उसका भी सोल्यूशन आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा और मैं खुद आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ, इंस्टाग्राम पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे इस तरीके से टर्म एंड कंडीशन आएगी, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा गेट आधार ओटीपी, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है ओटीपी हैज बीन सेंड योर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ओके पे आपको क्लिक करना है। आधार कार्ड के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी सेंड किया गया है, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल के वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस पर भी डाला, यहाँ पर आप देखेंगे फार्मर डिटेल आ चुकी है जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, फार्मर का नाम, उनके मोबाइल नंबर, आधार कार्ड के चार डिजिट के मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये सारे डिटेल यहाँ पर शो कर रहे हैं। अभी यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एंटर न्यू मोबाइल नंबर, डालने के बाद आपको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ओटीपी हैज बीन सेंड योर मोबाइल नंबर, यहाँ पर इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया गया है जिसको आपको डाल के वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है, तो आपका न्यू मोबाइल नंबर यहाँ पर लिंक हो जाएगा। हम यहाँ पर ओटीपी डालते हैं, ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर ओटीपी हमारा क्लिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्लिक फॉर अपडेट मोबाइल नंबर, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आ चुका है मैसेज यूअर मोबाइल नंबर सक्सेसफुली अपडेट, ओके पे आपको क्लिक कर देना है, तो आपका जो नया मोबाइल नंबर है वो आपके पीएम किसान सम्मान निधि के साथ रजिस्टर्ड हो जाएगा। ऐसे लिंक करने में 24 घंटे का ऐसा कुछ टाइम लग सकता है, उसके बाद आपका जो नया मोबाइल नंबर वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है यहाँ पर चेंज करने में या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही किसी चीज को लेकर, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसके रिलेटेड आपको वीडियो में जानकारी कंप्लीट में बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।